हेलो नमस्कार साथियों वेलकम टू रैली स्टडी दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज पांच मार्च 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे इससे पहले गाइस हम आपको काफी सारे वीडियोस दे चुके यहां तक कि हमने पूरी 20 तारीख से लेकर आपके एक तारीख तक एग्जाम चली थी इससे पहले तो उसका सारा एनालिसिस आपको कवर करवा दिया एक या दो वीडियो में तो उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वहां से आज भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं तो आप सभी को यही सजेशन देना चाहेंगे कि उन रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं वहीं से देखने को मिल रहे हैं तो उन सारे क्वेश्चन को आप पहले कवर कर लीजिएगा और गाइज उस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इससे पहले की जितनी भी पी डी हमने टेलीग्राम पर अपल्लीकेशन पर अपडेट कर दिए तो आप वहाँ जाकर चेकआउट सकते हैं और गैज़ आज देखिए हमें जो क्वेश्चन मिले काफी अच्छे क्वेश्चन मिल चुके काफी सारे लोगों ने आज हमें क्वेश्चन भेजे हैं उनमें रश्मि जी जो कि ललितपुर यूपी से हैं रोहित जी जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और इसके अलावा राजा राजपूत जी आशीष कुमार महतो जी जो कि मधुबनी बिहार से हैं मनोज कुमार मीना जी जो कि दौसा राजस्थान से हैं नीरज यादव जी जो कि चित्रकूट से हैं इसके अलावा प्रिंस जी या प्रिंस राजपूत जी इनका नाम है इन्होंने भी काफी क्वेश्चन हमें भेजे हैं तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक चीजें बताई है प्रिंस मीना जी इनका नाम है तो अब इन सभी को हम थैंक्स कहना चाहेंगे आप भी थैंक्स जरूर से लिखेगा कमेंट में ताकि इन्होंने आपके लिए इतने मेहनत से क्वेश्चंस एक एक क्लिख कर हमें सेंड किया है आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप भी सेम इसी तरह से क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं इन नंबर पर व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम आपको हंड्रेड सटीकता के साथ में एक एक चीजें कवर करवा पाएं जैसा कि हमारे वीडियोज में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट एनालिसिस आपको देते हैं तो सेम एनालिसिस हंड्रेड एक्यूरेट इस वीडियो में भी हम आपको कवर करवाएंगे सो स्टार्ट करते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जीके जे एस करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है भारत में उन्तीस अगस्त को मनाया जाता है हर साल ध्यान रखिएगा हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनतीस अगस्त को भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये बेसिकली मनाया जाता है तो किसकी याद में मनाया जाता, जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनकी याद में ये उनतीस अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस इसका नाम है और इसको काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद ज्याचंद ये एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्नीस सौ और उन्नीस ये तीन जो ओलंपिक है ये स्वर्ण पदक ये लाए थे इसमें तो ध्यान रखिएगा उन्नीस सौ अट्ठाइस बत्तीस और उन्नीस सौ छत्तीस में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे अट्ठाइस बत्तीस और छत्तीस में उन्होंने अपने करियर में चार सौ से अधिक गोल किए हैं मेजर ध्यानचंद को उनके जादु स्पर्श शानदार नियंत्रण रचनात्मकता और असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामे के लिए द विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है तो ये इनका उपनाम है अगर क्वेश्चन इस तरह से बने कि द विजार्ड के नाम से या दी विजार्ड के नाम से किसे जाना जाता है तो यह मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है इसके अलावा 1956 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है तो सारी चीज़ें याद रखिएगा इनकी काफी बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए इनको राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इनकी याद में बेसिकली मनाया जाता है उनतीस अगस्त को अगला क्वेश्चन है दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है सही जवाब हो जाएगा मुख्य से मुख्य से इनका संबंध है बॉक्सर है ये दीपक कुमार बावन किलोग्राम में खेलते हैं सत्ताईस फरवरी 2021 हजार को बुल्गारिया के सोफिया में बत्तीसवें स्टेटा मेमोरियल टूर्नामेंट में, 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 में पुरुषों के फ्लाईवेट में रजत पदक बैसकली जीता था और वे बुल्गारिया के डेनियल एसेनोव के खिलाफ अभिवादन के फैसले की अंतिम फेस ऑफ हार गए और यह रजत पदक के प्रतिष्ठित और यूरोप के सबसे पुराने टूर्नामेंट से तेईस वर्षीय दीपक का पहला पदक भी था तो ध्यान रखिएगा अगला जो क्वेश्चन बनाया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है सिफाली वर्मा और सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं तो सिफाली जो वर्मा है इनका संबंध क्रिकेट से हैं क्रिकेटर ये हैं और सुशील कुमार कुश्ती पहलवान है तो कुश्ती से इनका संबंध हो जाएगा दोनों का याद रखिएगा बीबीसी इंडिया देखिए यहाँ पर इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है

इसके अलावा सुशील कुमार की बात करें तो भारत में एक कुश्ती पहलवान है जो दो में लंदन ओलंपिक में रजत इन्होंने जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर लगातार दो ओलंपिक मुकाबले में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो बार के ओलंपियन सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन इससे पहले भी आपका काफी बार बन चुका है तो ध्यान रखिएगा आपका ये जो है इनको बैन किया है भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद उनचालीस ए से संबंधित है तो सही जवाब इसका रहेगा समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से इसका संबंधित संविधान का अनुच्छेद उनचालीस से भारतीय संविधान का अनुच्छेद उनचालीस ए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और भारत के संविधान का अनुच्छेद उनचालीस ए समाज के कमजोर वर्ग गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है इस लेख के आधार पर राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी न्याय प्रदान करेगा कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या आर्थिक कारणों से न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए क्लियरें अन्य में विकलांगता है ऐसा कुछ उदाहरण भी हैं अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि सकूर खान किस स्वाग यंत्र से संबंधित है इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो सारंगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद सकूर खान इनका नाम है बीसवीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से एक ये फासली मान जाते हैं और उनकी पहचान किराना घर देने से हुई थी जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे वहाँ भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीत हैं ना तो ध्यान रखिएगा पद्मश्री इनको मिल चुका है सारंगी हैं ये यानी कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने पहले सारंगी जो थे ये कौन थे इनका नाम आप याद रखिएगा इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है सकूर खां इनका नाम है इसके अलावा उनके दोनों बेटे मस्कूर अली और मुबारक अली जाने माने गायक भी हैं तो ये आप देख लीजिएगा अगला जो क्वेश्चन बनाया ये बनाए चमगादड़ कहाँ पर रहते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो गुफाओं और पेड़ों में पुलों के नीचे खदानों में और अन्य संरचनाओं में बेसिकली देखने को मिलते हैं तो आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको एग्जाम में ऑप्शन क्या मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना था सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो चमकादड़ दिन के समय गुफाओं में रहते हैं चट्टानी दरारों पुरानी इमारतों पुल खदानों और पेड़ों के जैसे विभिन्न प्रकार के आश्रय स्थलों की तलाश करते हैं है ना दिन के समय में और विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग आश्रय स्थलों की आवश्यकता होती है कुछ प्रजातियां जैसे कि मैक्सिकन मुक्त पूंछ वाले और भूरे चमगादड़ होते हैं गुफाओं में बड़ी कॉलोनियों में ये बेसिकली रहते हैं चमगादड़ जो होते हैं ये पराश्रवित तिरंगे उत्पन्न करते हैं चमगादड़ रात में अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रविद जो ध्वनि होती है उसका उपयोग करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी ध्यान रखिएगा भारत में एक एक

रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना किसने की थी तो ये की स्वामी विवेकानंद जी ने तो इन तीनों के बारे में याद रखिएगा आर्य समाज ब्रह्म समाज रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन क्लियर है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो ये थी 1980 से पिचासी तक चली थी ध्यान रखिएगा छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1980 से पिचासी तक चली थी छठवीं पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गई छठी पंचवर्षीय योजना में तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मूल्य नियंत्रण समाप्त कर राशन की दुकानें किस पंचवर्षीय योजना में बंद की गई थी तो ये पंचवर्षीय योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना इससे भोजन की कीमतों में वृद्धि हुई और जीवन यापन की लागत में भी वृद्धि देखने को मिली शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई उन्नीस को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई ध्यान रखिएगा किसकी अनुशंसा पर की गई किस समिति की तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई 12 जुलाई उन्नीस को ध्यान रखिएगा परिवार नियोजन का विस्तार भी किया गया इस पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन का विस्तार किया गया इसके अलावा उन्नीस में एन योजना बोर्ड और छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी इसने जो लक्ष्य वृद्धि है देखिए लक्ष्य वृद्धि दर पाँच दशमलव दो प्रतिशत थी और वास्तविक विकास दर जो हासिल करी ये करीब पाँच दशमलव सात प्रतिशत ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ना है आपका अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है तो यह बेसिकली असम का है अम्बुबाची जो मेला है कहाँ पर लगता है असम में कामाख्या मंदिर में जून के महीने में बेसिकली मनाया जाता है और यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है यह मान्यता है कि कामाख्या मात्र पंथ शक्ति का प्रतीक है अम्बुबाची का अर्थ है स्पोकन विद वोटर असम के अन्य मेले और त्यौहार की बात करें तो बिहू फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और मे दम में भी है ना माजूली फेस्टिवल है देहिंग पटकाई फेस्टिवल काजरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली ए लिगंग फेस्टिवल ये सारे जो है असम के कुछ प्रमुख मेले और फेस्टिवल है तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा हो सकता है नेक्स्ट यहीं से आपका बन जाए अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो, तो ये माना जाता है मन कॉम्बू सम सिवन स्वामीनाथन को यानी कि एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है और गाइज देखिए हम आपको पूरी चीज़ें एक एक क्लियर कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है है ना रिपीट रहे काफी ज्यादा क्वेश्चन तो आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा हमने सारे वीडियोज डाल रखिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा आपको सारे व्यवस्थित मिल जाएंगे तो वन कोम्बु समिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इसे यानी कि हरित क्रांति वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया था उन्नीस सौ में यह और नॉर्मन बोरलॉग ध्यान रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी तो अगर विश्व में पूछा जाए कि भारत के विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में है एम एस स्वामीनाथन भारत में इसे डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने सफर बनाया था एम एस स्वामीनाथन ने क्लियर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम ने गढ़ा था ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डी जी डी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सही जवाब हो जाएगा विक्रम देव ये हैं वर्तमान में अध्यक्ष तो विक्रम देवदत्त को जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डी में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था वहाँ गुजरात के डर के उन्नीस सौ इक्यानवे बेच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है आई एस अधिकारी हैं और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्य किया जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी ये शामिल थे अगला क्वेश्चन ही निम्न में से कौन विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो इनका नाम है एस एम कृष्णा ये जो है विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो इनका नाम एस एम कृष्णा है भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम एम एस कृष्णा क्लियर है तो यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं ये एस एम कृष्णा मार्च 2017 में बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी में शामिल हुए थे अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है तो इसमें से गाइज हमें ऑप्शन एक्जेक्ट नहीं मिला कि कौन सा दे रखा था जो नहीं था और तीन आपको जो पी ब्लॉक के होंगे एक नहीं होगा तो वो आप देख लीजिएगा देखिए पी ब्लॉक का जो तत्व है कौन कौन सा हम ये आपको बता दें बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और हीलियम ये जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं पी ब्लॉक के तत्व की हम थोड़ी सी चीज़ें आपको कवर करवा दें उन तत्वों के परमाणु जिनके बाहरी कोष से अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक के तत्व ये कहलाते हैं तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है बत्तुक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है बत्तुकंबा एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बेसिकली मनाया जाता है दुर्गा नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक बत्तुक मनाया जाता है बत्तुकंबा शब्दकार तेवी का जीवन में आना क्लियर है और यह जो त्यौहार है तेलंगाना के लोगों की संस्कृति पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें महागौरी की पूजा शामिल है जीवनदात्री यानी गौरी देवी नारित्व संरक्षण देवी के रूप में यहाँ पर इसमें पूजा की जाती है अगला क्वेश्चन है योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं या फिर योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है तो आठ आपका करेक्ट आंसर आएगा भारत के योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई थी 1950 को प्रधानमंत्री इस आयोग के पदीन अध्यक्ष होते हैं भारत के संविधान में योजना आयोग के लिए कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है है ना तो योजना आयोग के लिए कोई भी प्रावधान या उल्लेख नहीं है संविधान में इसका गठन एक सलाहकार और विशेषज्ञ संस्था के रूप में किया गया था ध्यान रखिएगा सलाहकार या विशेषज्ञ संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय संसद के एक सदस्य के प्रस्ताव पर किया गया था अगला क्वेश्चन है किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था संगम सभाओं का जो आयोजन हुआ था ये मदुरे में हुआ था मदुरे तो संगम सभाएं मदुरे शहर में आयोजित की गई थी दक्षिण भारत कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है इसमें लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा का संगम काल जो सभा है ये कहाँ पर आयोजित हुई थी मदुरे में आयोजित हुई थी अगला क्वेश्चन है कौन से नृत्य में चेहरे और आंखों की गति भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त कर किया जाता है तो एक कथकली है कथक कली याद रखिएगा कथकली एक शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है ये कला की एक कहानी नाटक शैली है जो केरल का एक लोक नृत्य है ध्यान रखिएगा केरल का एक शास्त्रीय नृत्य भी है कथकली में प्रयुक्त ड्रम के जो प्रकार है ये मदलम चिंडा और इडक्का है कथकली पारंपरिक नृत्य शैली की सबसे कठिन शैली है जिसमें अभिनेता संकेत भाषा बोलते हैं जहां हाथ के इशारों का उपयोग चरित्र के शब्द भाव को निर्देशित करने के लिए किया जाता है और चेहरे और आंखों की गति भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करती है तो ध्यान रखिएगा ये चीजें यही से क्वेश्चन आपका वैसे बनाए कथकली जो है रामायण महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि रामायण और महाभारत महाकाव्यों पर आधारित कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है या कौन सा शास्त्रीय नृत्य रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आप अच्छे से देख लीजिएगा इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं अगला क्वेश्चन है जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार जैन बौद्ध सिख मुस्लिम में सबसे कम प्रतिशत किसका है जैन का है जीरो दशमलव चार प्रतिशत है ना ये जैन है हम आपको सभी के बारे में बता दें देखिए दो की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है देश की कुल जनसंख्या का करीबन नौ उन्नीस है मुसलमानों की जनसंख्या इसमें चौदह दशमलव दो प्रतिशत है ईसाई है दो दशमलव तीन, तीन प्रतिशत सिख है एक दशमलव सात प्रतिशत और बौद्ध है जीरो दशमलव सात प्रतिशत इसके अलावा जैन है जीरो दशमलव चार प्रतिशत पारसी है जीरो दशमलव जीरो जीरो छः प्रतिशत तो यहां पर अगर आपको पारसी दे रखा होता तो पारसी आपका करेक्ट आंसर रहता बट यहां पर आपको जैन बौद्ध सिख और मुस्लिम दे रखे तो यहां पर आपका जो जैन है ये सबसे कम हो जाएगा उसके बाद में उससे बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं घटते क्रम में आप देख सकते हैं जो जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से इनको जरूर से एक बार देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है बॉलर की गेंद अगर बिना बेट से लगे पीछे चौका लग जाए तो उसे क्या कहते हैं उसको लेग बाई फोर या इस तरह से बोला जाता है लेग बाई फोर या लेग बाई चौका इस तरह से आप बोल सकते हैं भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई कब की गई ये की गई उन्नीस सौ संतानवे में ध्यान रखिएगा और अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनाए कि भारत में बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा है किस पंचवर्षीय योजना में बंद कर दी गई तो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी इस टाइम पर तो ध्यान रखिएगा भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली इकत्तीस मार्च उन्नीस को समाप्त की गई सभी ट्रेजरी बिल तदर्थ या साधारण केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं 12 जुलाई उन्नीस तक इन्हें ऋणदाताओं द्वारा साप्ताहिक नीलामी में बेचा जाता था तो यह की गई आठवीं मंजूरसी योजना में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय संविधान दो देखिए यहाँ पर हमें 20 क्वेश्चन हमने पूरे कवर कर लिए एक और क्वेश्चन हमें मिला था राष्ट्रीय आई संशोधन दो तो हो सकता है इसमें से कोई सा क्वेश्चन आपका रीजनिंग में बना हो तो उस वजह से आप देख लीजिएगा दो हजार उन्नीस इस तरह से ये पूरा खैर क्वेश्चंस भी हमें नहीं मिल पाया था एग्जैक्ट क्या था तो राष्ट्रीय आय यहाँ एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य होता है है ना तो ये इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बाकी यहाँ पर हमने हंड्रेड एक्यूरेट और बिल्कुल रियल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वही आपको कवर करवाए क्लियर है आपका आने वाले दिनों में एग्जाम तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको हंड्रेड सटीकता के साथ एक एक चीज क्लियर करा पाए हिंदी की बात करें हिंदी में पहला क्वेश्चन है शोभा का परियवाची शब्द तो श्री सुषमा विवाह आभा सौंदर्य सुंदरता चमक सजावट ये सभी शोभा का ही शब्द हैं नेम शब्द का तत्सम आपसे पूछे तो नाम हो जाएगा मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है अपना काम निकालने के लिए किसी को पैसे देना या घूस देना इसको होता है मिट्टी गर्म करना है ना मुठ्ठी गर्म करन�� करना या जीव गर्म करना यह इस तरह से भी आपको मिल सकता है दुर्जन दुर्जन का 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 विलोम विलोम शब्द क्या होता है तो सर्जन हो 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 जाएगा दुर्जन का लड़ना भाववाचक संज्ञा जाएगी जाएगी लड़ाई और विद्यार्थी की वर्तनी आपको बतानी है सही वर्तनी तो विद्यार्थी हो जाएगी उच्चारण की वर्तनी आपको बताना है तो उच्चारण हो जाएगा उच्चारण का निर्जन का विलोम आपसे पूछा है निर्जन का जो विलोम शब्द है ये आबाद हो जाएगा सौम्य का पर्यायवाची पूछा है तो शालीन सभ्य विनम्र सम्राट अनुशासित और भद्र ये सारे सौम्य के पर्यवाची हैं ताजमहल से संबंधित एक गद्यांश आया था जिसमें पांच क्वेश्चन आपको दे रखे थे क्लियर है इसके अलावा शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चन तीन आए थे आपके अन्य कार्ती से एक क्वेश्चन आया था रिक्त स्थान वाला भी आया था तत्सम तद्भव लोकोक्ति विलोम शब्द से दो क्वेश्चन बने मुहावरे से दो बने और पर्यवाची से भी दो बने तो ये देख सकते हैं हिंदी में पूरा हमने कवर करवा दिया कहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन बने मैथ्स में औसत से दो क्वेश्चन पूछे गए एसआईसी से एक क्वेश्चन बनाए नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन बनाए सरलीकरण से दो क्वेश्चन पूछे गए से दो क्वेश्चन बने प्रतिशत से एक क्वेश्चन बनाए लाभानी से दो क्वेश्चन बने समय कार्य से दो क्वेश्चन पूछे गए रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन था चाल दूरी से एक क्वेश्चन और एलसीएम एप से क्वेश्चन था अनुपात से दो क्वेश्चन थे आपके आयु से क्वेश्चन विभाजित वाले क्वेश्चंस भी बने हैं रीजनिंग में बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चंस पूछे गए पजल से क्वेश्चन बनाए कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चंस बने ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पेपर कटिंग से क्वेश्चन बनाए मीर इमेज से एक क्वेश्चन आपका बना है दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए पांच से दो क्वेश्चन है अल्पाबेट से एक क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन है आपका आकृति से तीन से चार क्वेश्चन बने लुप्त संख्या से दो क्वेश्चन नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन प्रायुक्त से भी क्वेश्चन आपका बना है क्लियर है तो यहाँ पर गाइज हमने आपको जीके हिंदी मैथ्स रीजनिंग यानी कि चारों के चारों सब्जेक्ट फुल डिटेल में बता दिए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से और किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ताकि आप नेक्स्ट में जिनका एग्जाम हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन टॉपिक को और जो आपको चैप्टर मिल रहे हैं या टॉपिक जो मिल रहा है जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहे हैं और जिस टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले ही प्रिपेयर कर पाएँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक और चीज़ हम आपको बता दें जब भी आपका एग्जाम हो इ नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से, से सेंड करिएगा ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाए इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और गाइज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हमने अपडेट कर दी इससे पहले की जितनी पीडीएफ दे दी है ये हमारी टेस्ट सीरीज स्पेशल एस 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 की अगर आपने इन नहीं किया है तो कर लीजिएगा ये पूरी तरह से फ्री है कोई भी चार्ज आपका नहीं है ओनली पोर्टल चार्ज आपके लगेगा बाकी और भी कोई चार्ज आपको नहीं देना है तो सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद एंड आपसे जरूर से अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सपोर्ट मिले और हमें भी सपोर्ट मिल पाए ज़्यादा जाद से ज़्यादा हम आपके लिए और वीडियोज लाने की कोशिश करते रहें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातरम